शिमला के रामपुर में सीटू का अधिवेशन किसान मजदूर भवन में संपन्न हुआ। लोकसभा चुनावों को लेकर सीटू की समझदारी को मजदूरों तक पहुंचाने व मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान को मजबूत करने के लिए इस अधिवेशन का आयोजन किया गया। लोकसभा चुनाव के लिए सीटू ने मजदूरों का घोषणा पत्र जारी किया। अधिवेशन का उद्घाटन सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने किया तो वहीं सीटू जिलाध्यक्ष कुलदीप डोगरा ने अधिवेशन का समापन किया। उन्होंने वर्तमान समय के राजनीतिक हालात पर विस्तार से बात रखते हुए मजदूरों से मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने व भाजपा को हराने का आह्वान किया। सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि मोदी सरकार ने मजदूरों के लंबे संघर्षों और कुर्बानियों के बाद हासिल किए गए 44 श्रम कानूनों को समाप्त करके इन्हें मजदूर विरोधी व पूंजीपति परस्त 4 लेवल कोडों में बदल दिया। ये लेवल कोड कॉरपोरेट जगत व उद्योगपतियों को ही फायदा पहुंचाते हैं। इन्हें मजदूरों की जिंदगी को बंधुआ मजदूरी की तरफ ले जाने के लिए तैयार किया गया है। मोदी सरकार की कारगुजारियों के चलते देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई और महंगाई आसमान छू रही है। सीआईटी राज्य कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश के अंदर हिमाचल प्रदेश में सीआईटी के द्वारा मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ ब्लॉक जिला मुख्यालयों के स्तर पर अधिवेशनों का आयोजन किया जा रहा है और इस उपलक्ष्य पर सीटू राज्य कमेटी ने एक घोषणा पत्र बनाया है जिसको मजदूरों का घोषणा पत्र नाम दिया गया है। इस घोषणा पत्र को भी जगह जगह जो है हम उसका विमोचन कर रहे हैं, उसको रिलीज कर रहे हैं, मजदूरों के बीच में जा रहे हैं, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और मजदूरों को यह अपील कर रहे हैं कि जो 18वीं लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार जो है उसको करारा जवाब दिया जाए, उसको इन चुनावों में हराया जाए। क्यों हराया जाए? क्योंकि पिछले 10 वर्षों में इस देश के अंदर जो कुछ हुआ है वो हमारे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लोकतंत्र हाशिए पर है, तानाशाही बढ़ रही है। साफ देखा जा रहा है कि हमारे देश के अंदर जितनी भी संस्थाएं हैं, ईडी है, सीबीआई है, एनएसए है या इनकम टैक्स है या दूसरे जो भी संस्थाएं हैं उनका मिसयूज किया जा रहा है और जो भी विरोधी पार्टियां हैं उनके ऊपर जो है बदले की भावना से भी कार्रवाई हो रही है। और दूसरी ये जो मोदी सरकार की गलत नीतियों की जो भी आलोचना करता है कोई आम नागरिक भी या कोई संगठन भी उसके नेताओं को या उनको जेलों की सलाखों के पीछे ठूसा जा रहा है। हमने पिछले 10 साल में ये भी देखा है कि अच्छे दिन का वायदा किया था इस सरकार ने, लोग लुभावने नारे दिए थे, बहुत सारे शगुफे छोड़े थे, 15 लाख खातों में आएगा, अच्छे दिन आएंगे, मोदी की गारंटी है, काला धन जो है उसको लाएंगे और ना जाने क्या क्या बातें की थी। लेकिन आज हम जो देख रहे हैं एक भी वायदे पर जो ये सरकार सफल नहीं हो पाई और उल्टा इस देश के अंदर जो है भुखमरी बढ़ी है। जो पूरे देश दुनिया के आंकड़े आ रहे हैं, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के जो आंकड़े आ रहे हैं, जो मानवीय सूचकांक के जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें हमारी पोजीशन नीचे गिर रही है। जो ग्लोबल वेज रैंकिंग के आंकड़े आ रहे हैं उसमें मजदूरों के वेतन की स्थिति बुरी हो रही है। और हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से कोविड काल में जो प्राइवेट कंपनियां हैं स्वास्थ्य महकमे के अंदर उनके साथ भी जिस तरीके की मिलीभगत की, चुनावी बॉन्ड में, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में जिस तरीके की उगाही की इन्होंने की, हिमाचल प्रदेश में भी उसके छींटे पड़े जो हमने धौलासिद्ध और सुन्नी डैम परियोजना में देखा कि वहाँ करोड़ों रुपये का लेन देन हुआ, पूरे देश के अंदर सरकारों को डिस्टेबलाइज किया गया, जो संघीय ढांचा है राज्यों के अधिकारों को कुचला गया, केंद्र सरकार ने अपनी मनमानियां की, जो पार्लियामेंट है उसको धत्ता बताकर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स या कैबिनेट के जरिए जो पूरे लोकतंत्र को हाशिए पर धकेला गया, मजदूरों के 44 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड बनाए गए, किसानों पर हमला लगातार किया गया, 45 साल की भयंकर बेरोजगारी देश के अंदर चल रही है, नई शिक्षा नीति के जरिए जो है छात्रों पर हमला जारी है, महिलाओं का दमन उत्पीड़न, दलितों का, वंचितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का जिस तरीके से हुआ पूरे दुनिया ने देखा है और देश के लोगों ने भी देखा है। इसलिए हमने मजदूरों से अपील की है, ये अपने अस्तित्व का सवाल है। अगर ये सरकार द्वारा से सत्ता में आती है तो निश्चित तौर से जिस तरीके के अमीरों से मिलीभगत चल रही है और अमीरों के लिए ही देश में सारा काम हो रहा है और अंबानी अडानी की सरकार या दूसरे पूंजीपतियों की ये सरकार पूरी तरह से गरीबों के खिलाफ साजिश रच रही है, तो उसके बारे में ही इस अधिवेशन में जो हमने विचार विमर्श किया है और मजदूरों से आह्वान किया है और जो घोषणा पत्र है उसको यहाँ हमने रिलीज किया है।